सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट की जो परीक्षा है वह 23 जनवरी को होनी है, तो इस क्रम में जो दोस्तों अफवाहें आ रही थी कि कोविड के बीच परीक्षा कैसे होगी, उसको तोड़ते हुए आज दिन में ही सीएम ऑफिस से ट्वीट आ गया था, परीक्षा की डेट निश्चित हो गई है, अब 23 तारीख को ही परीक्षा होनी है। और यहाँ पे अब देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, इसमें सभी गाइडलाइंस हैं, सभी को निर्देश दिए गए हैं, सभी के जो रोल हैं वो उनको बताए गए हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था में कौन कौन रहेगा, किनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। यह देखिए, यहाँ पे एक लेटर जारी करके बताया गया है, देखिए प्रेषक कौन है, अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन में ये है। और इन्होंने सबको देखिए, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सबको यह लेटर इन्होंने जारी किया है। और विषय देखिए यहाँ पे क्या है, दिनांक 23 जनवरी 2022 को पुनः आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 को सुचितापूर्ण, नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से तथा पारदर्शिता से पूर्ण निष्पादन संपन्न कराए जाने हेतु दिशा निर्देश, पूरा उल्लेख यहाँ पे दोस्तों किया गया है। आपके दोनों पालियों की जो परीक्षा है वह यहाँ पे होना है, समय भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, समय भी यहाँ पे दिया गया है 10 से 12:30 और 2:30 से 5 बजे तक, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे कई सारे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, किनका क्या रोल है यह यहाँ पे बताया गया है और सभी दिशा निर्देश हैं। और साथ ही आप लोग के मन में कोविड को लेकर के थोड़ी सी उत्सुकता होगी कि कोविड का कैसे पालन कराया जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, उक्त परीक्षा के दौरान कोरोना कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, इस हेतु निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो पहला देखिए क्या है, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाए, तो जितने भी केंद्र रहेंगे उन पे कोविड हेल्प डेस्क होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जाएगी और प्रत्येक परीक्षा कक्ष में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी और कुछ अतिरिक्त सर्जिकल मास्क होंगे जो अभ्यर्थी भूल जाएंगे उनके लिए, और अभ्यर्थियों को उचित दूरी पे बैठाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पे मेडिकल टीम की व्यवस्था की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो आपकी परीक्षा है वह नकल विहीन हो, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए आपकी परीक्षा में, इसलिए शासन इस बार अधिक प्रयासरत है कि आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से कराई जाए। इतनी विषम परिस्थितियों में भी आपकी परीक्षा कराई जा रही है, तो यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपकी परीक्षा अच्छे ढंग से करा ली जाए। तो दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, समय कम है और लगातार अपने पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए आप लोग। और दोस्तों, सभी विषयों को आप पढ़ सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, आप लोग लिंक पे क्लिक करके जरूर बाल विकास विषय को पूरा अपने तैयार करिए और अच्छे से आप लोग एग्जाम दे करके आइए, लिंक पे क्लिक करके आप लोग अपनी पढ़ाई तैयारी को मजबूत करें। इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि सभी जो साथी हैं सभी को पता चल पाए कि 23 तारीख को जो परीक्षा होनी है वह बिल्कुल कंफर्म है और सभी लोग तैयारी में लगे रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट जो ऑफिशियल न्यूज होती है वह हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं हमेशा ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय।